ब्रेक तो बाद स्वागत है। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने वोटां की गिनती लगातार जारी है। रुझान जो हुण तक सामने आ रहे हैं लगातार असी दर्शकों के नाल सांझा कर रहे हैं। दस दिए कि वार्ड नंबर 14 तो अकाली उम्मीदवार अमरजीत पिंकी फिलहाल अगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 42 तो अकाली उम्मीदवार बलबीर सिंह फिलहाल अगे ने। वार्ड नंबर 43 तो अकाली दल के जसमेन सिंह नोनी फिलहाल उन्होंने लीड बनाई हुई है। तो शुरुआती रुझानों में हुण तक श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार ने लीड बनाई हुई है। वार्ड नंबर 44 तो अकाली दल के सुखविंदर सिंह बब्बर फिलहाल अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 45 तो जतेंद्र पाल गोल्टी इन्होंने लीड बनाई हुई है। वार्ड नंबर 46 तो जागो के उम्मीदवार मंगल सिंह अगे ने। तो यह तमाम रुझान हुण तक सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 25 तिलक नगर तो सरना धड़े से जतेंद्र सिंह सोनू फिलहाल अगे चल रहे ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चोणों की वोटों की गिनती लगातार जारी है। जो हुण तक के रुझान आ रहे हैं लगातार असं दर्शकों के साझा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 42 तो अकाली उम्मीदवार बलबीर सिंह ने लीड बनाई हुई है। वार्ड नंबर 43 तो अकाली दल के जसमेन सिंह नोनी फिलहाल अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 44 तो श्रोमणी अकाली दल के सुखविंदर सिंह बब्बर ने लीड बनाई है। जबकि वार्ड नंबर 45 तो अकाली दल के जतेंद्र पाल सिंह गोल्टी अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 46 की गल की जाए तो जागो के उम्मीदवार मंगल सिंह इस वार्ड में अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 25 तिलक नगर तो सरना धड़े के जतेंद्र सिंह सोनू अगे चल रहे ने। तो दस दिए कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चोणों लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। हुण तक के जो रुझान आ रहे हैं लगातार असी दर्शकों के नाल साझा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 14 तो अमरजीत सिंह पिंकी जो कि अकाली उम्मीदवार ने इन्हों वालों लीड बनाई हुई है। इस तो अलावा वार्ड नंबर 45 तो जतेंद्र पाल गोल्डी अकाली उम्मीदवार ने लीड बनाई हुई है। वार्ड नंबर 44 तो अकाली दल के सुखविंदर सिंह बब्बर अगे ने। वार्ड नंबर 43 तो श्रोमणी अकाली दल के जसमीन सिंह नोनी। वार्ड नंबर 42 तो श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार बलबीर सिंह अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 14 तो अमरजीत सिंह पिंकी। वार्ड नंबर 1 तो सरबजीत सिंह वर्क अगे चल रहे ने। 386 वोटों के नाल ये अगे चल रहे ने। इस तो इलावा दस दिए कि जागो के एक उम्मीदवार अगे चल रहे ने। जबकि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के 3 उम्मीदवार ने लीड बनाई है। तो श्रोमणी अकाली दल के 10 उम्मीदवार वालों हुण तक दस दिए कि लीड बनाई हुई है। वार्ड नंबर 44 तो इतने दस दिए कि श्रोमणी अकाली दल के सुखविंदर सिंह बब्बर अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 1 तो रोहिणी तो सरबजीत सिंह विरक श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार इतने उन्होंने लीड बनाई हुई है। अगे चल रहे ने वार्ड नंबर 42 तो अकाली उम्मीदवार बलबीर सिंह इतने अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 2 तो सरूप नगर तो रविंदर सिंह खुराना अकाली उम्मीदवार इतने फिलहाल अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 14 तो अमरजीत पिंकी श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार इन्होंने इतने लीड बनाई हुई है। कुलदीप सिंह सानी वार्ड नंबर 36 तो ये फिलहाल उम्मीदवार अगे चल रहे ने। इस तो इलावा वार्ड नंबर 43 तो श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार जसमीन सिंह बलबीर सिंह। वार्ड नंबर 42 तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 43 तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार जसमीन सिंह अगे चल रहे ने। जबकि वार्ड नंबर 44 तो सुखविंदर सिंह बब्बर अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 45 तो जतेंद्र पाल गोल्डी ने लीड बनाई है। तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार के वालों जो लीड बनाई गई है हुण तक वक् वक् वार्डों में दस रहे हैं। लाजपत नगर तो श्रोमणी अकाली दल के जो इतने उम्मीदवार ने उन्होंने वालों लीड बनाई गई है। तो वार्ड नंबर 36 विखे भी श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार फिलहाल अगे चल रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चोणों की काउंटिंग लगातार जारी है। श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार फिलहाल हुण तक अगे चल रहे हैं। यह शुरुआती रुझान है। पूरी तस्वीर जो है वह शाम दोपहर तक साफ होएगी। वार्ड नंबर 36 तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार कुलदीप सिंह सानी अगे चल रहे ने। ये रुझान हुण तक जो सामने आ रहे हैं लगातार असीं दर्शकों के नाल साझा कर रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चोणों लई वोटां दी गिनती लगातार जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। इजाजत दिओ। धन्यवाद।